पुलिस ने विक्रम सिंह राठौर करके एक आरोपी है, उसको कल गिरफ्तार किया है। इसके कब्जे से 12 मोबाइल और एक लैपटॉप जब्त हुआ है और लगातार पूछताछ की जा रही है। संभवतः और खुलासे होंगे। जो पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में लगातार जो धरपकड़ का अभियान चल रहा है, उसी कड़ी में कल एक बड़ी सफलता मिली है। लैपटॉप और मोबाइलों की कीमत कितनी है? और ये लगभग इसकी कीमत 2 से 2.5 लाख हो सकती है, 12 मोबाइल और एक लैपटॉप। आरोपी का बैकग्राउंड क्या है? आरोपी का बैकग्राउंड वैसे इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं मिला है। ये पेशे से इंजीनियर है, MCA किए हुए है और बड़ा साफ माइंड है ये लड़का। ये मोबाइल लेके उसकी EMI खुद चेंज कर देता था उन मोबाइलों की, ताकि वो आगे उनका पता नहीं लग पाता। ये वॉलेट्स पे बेचता था किस तरीके से? हाँ, ये वहाँ पे बेचने का भी इसका काम था। तो हम लोग लगातार और बात कर रहे हैं, तो हो सकता है इसका और डिटेल सामने आएगा। सर, ये बताया जा रहा है कि कोई पुलिसकर्मी का लड़का है ऐसे? हाँ, ऐसा भी पता लगा है। इसके फादर सेकंड बटालियन में है, वो हम लोग पता कर रहे हैं। ये 12 मोबाइल तो जब्त हो गए हैं, एक लैपटॉप जब्त हुआ है और ऐसा पता लगा है अभी और भी कुछ ऐसे जब्ते की संभावना है। हो सकता है इसके लिए कोई साथी हो। वैसे अभी तक ये संभावना नगण्य लग रही है कि इसके साथ में कोई और हो। ये मोबाइल कोई ऐसे कोई व्यक्ति खड़ा है, उससे इसने बात की कि जरा हमारा बैलेंस खत्म हो गया, मोबाइल लेना जरा। और वो यदि पैदल खड़ा है तो ये बाइक से निकल गया। तो कैसे भी जो यदि ये अच्छी पोजीशन में होता था निकलने की, तो इसी तरीके से बात करके मोबाइल लेके निकल जाता है। अकेले घटना को अंजाम देते हो? अभी तक तो यही लगा है कि ये अकेले ही इसने सब किया है, और पूछताछ में यदि कोई नाम आते हैं तो हम शेयर करेंगे।